हेलो क्लास सिक्स आई एम योर फिज़िकल साइंस टीचर सो आज फिजिकल साइंस में हम लोग केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है आपका वो स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो चैप्टर वन है ऑन पेज नंबर टू यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्योंकि आप लोग फाइव तक सिर्फ साइंस पढ़े हो और सिक्स में जैसे आप आ गए सिक्स सेवन एट तो फिजिक्स और केमेस्ट्री अलग हो जाएगा बायोलॉजी अलग हो जाएगा तो तीन आपके सब्जेक्ट साइंस के हो जाएंगे तो सबसे पहले जो चैप्टर वन है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री हम लोग इसमें जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है साइंस क्या है उसके बाद केमिस्ट्री के अदर चैप्टर्स में जाएंगे तो सबसे पहले साइंस का डेफ़िनेशन क्या है ये आप क्लास फाइव में भी पढ़ चुके हो साइंस इज़ द दिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड थ्रू ऑब्ज़र्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पूरे वर्ल्ड में इस दुनिया में हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में एक सिस्टमेटिक एक टेक्निक से एक तरीके से सही तरीके से स्टडी करना उन्हें ऑब्जर्व करके उन्हें देख के एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्हें प्रूफ करके सही मान के जब हम उन्हें ऑबर्व करते हैं ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जब वो सही हो जाता है तब हम उसे सच मानते हैं बिना किसी रीज़न के हम किसी भी चीज को सच नहीं मान लेते हैं ठीक है तो साइंस क्या है एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद साइंस में हम जो भी कुछ भी होता है हमारे आसपास जो भी फेनोमेनन है जो भी घटनाएं हैं उन्हें हम पहले पहचानते हैं आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं गैदर करते हैं ऑब्जर्वेशन जब करते हैं जब उन्हें देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी फेनोमेना है उससे रिलेटेड जो भी हमें इन्फो मिलता है जो भी समझ में आता है वो सारी चीज़ों को लिखते हैं उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं एक अपना एक इमेजिनेशन होता है कि ये चीज़ ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो सकता है एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये ऐसा हुआ तो इसलिए ऐसा हुआ फिर उसको प्रूफ करना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जब वो जो हमारा इन्फॉर्मेशन आता है अगर वो सही हो जाता है हाइपोथेसिस जो कि हम सोच के थे अगर वो सही हो जाता है तब हम एक थियोरी बनाते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा इस एक्सपेरिमेंट से हम इस चीज़ को साबित कर दिए अब उसके बाद देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है साइंस में हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसे ऑब्जर्व करते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं फिर एक हाइपोथेसिस एक अपना एक हम सोच बनाते हैं एक्सप्लेन करते हैं फिर उसके बेसिस पे हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं अगर एक्सपेरिमेंट करने से जो मेरा हाइपोथेसिस था अगर वो सपोर्ट सही हो गया तो मेरा हाइपोथेसिस क्या बन गया जो हाइपोथेसिस क्या बन जाता है थियोरी बन जाता है है ना तो अगर हाइपोथेसिस सिर्फ आपकी सोच है वो कोई थियोरी नहीं है थियोरी मतलब एक सिद्धांत एक प्रिंसिपल तो हाइपोथेसिस थ्योरी कब बनता है जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वो प्रूफ हो जाता है ठीक है अब साइंस में मेन ब्रांचेस बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो कि आपके सिलेबस में तीन सब्जेक्ट है अब केमिस्ट्री क्या है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज देर रिएक्शंस एंड हाउ दे फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस हमारे आस पास जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन वो क्या चीज़ की बनी हुई हैं उनका कॉम्पोजिशन क्या है क्या किया जैसे वाटर है तो वॉटर का फॉर्मूला क्या है एच टू ओ है ना तो वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये उसका कॉम्पोजिशन हुआ तो इसी तरह से कोई भी चीज़ है तो वो क्या 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 किन किन चीज़ों की मिल्कि बनी हुई है और उसका प्रॉपर्टी क्या है जैसे वाटर का प्रॉपर्टी क्या है वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वाटर कलरलेस होता है स्मेल नहीं होता उसके अंदर जो प्योर वाटर होता है और ये किस तरह से हम मैनुफैक्चर कर सकते हैं किस तरह से बना सकते हैं इसका किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा इस सारी इन सारी चीज़ों के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू